सो फाइनली पहला क्वेश्चन है, आई एम अ कॉपी पेस्ट डेवलपर, हाउ डू आई बिकम अ रियल सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो फाइनली हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड अ स्टूडेंट फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज इन इंडिया डू वेयर देयर इज नो कॉम्पिटिटिव कोडिंग एनवायरमेंट, व्हाट आर द वेज वी कैन गेट अ जॉब एज अ टीयर 3 स्टूडेंट। मतलब बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट ऐसे, जैसे कि अगर मैं बात करूं अपनी, तो मेरी भी कॉलेज यहां पर ऐसी जहां पर कोई कोडिंग एनवायरनमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट की एनवायरनमेंट नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत ही कम है। तो ऐसे में इस टाइप के स्टूडेंट को कैसे जॉब मिल सकता है, क्या क्या इसके लिए कोशिशें स्टूडेंट को करनी चाहिए। तो फाइनली नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य आनंद, स्वागत करता हूं आप सभी का डिजाइनिंग मंत्र में। एक और नई वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। आज की वीडियोस थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजीत सर, जो कि बिहार की लीडिंग आईटी कंपनी के को फाउंडर है, जिनसे हम ऐसे कुछ सवाल करेंगे जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा ग्लोबली पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बताओ ये सारे क्वेश्चन एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं आज के वीडियो। थैंक यू आदित्य, बहुत ही अच्छा टॉपिक पे आपने हमें इनवाइट किया है। थर्ड थिंग ये है कि बिहार में, अगर हम बिहार की ही बात करते हैं, तो जो टॉपिक आपने रखा है स्टूडेंट्स के लिए और आईटी सेक्टर में स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत सारे पार्ट्स है जिसपे स्टूडेंट को जानना जरूरी है एकेडमिक लाइफ में ही, कि किस तरीके से वो अपने स्किल्स को और अपने स्किल लेवल के साथ साथ प्रैक्टिकल थॉट्स को कैसे अप्लाई करें एकेडमिक लाइफ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली आज का वीडियो स्टूडेंट के लिए टोटली डेडिकेटेड होने वाला है। दूसरे वीडियोस में एक और वीडियोस लेकर आऊंगा, जिसके अंदर हम लोग ये बात करेंगे किस तरीके से बिहार जैसे जगह में सर ने आकर के आईटी जैसे कंपनीज को यहाँ पर स्टेब्लिश किया, क्योंकि आईटी का मतलब बिहार में लोगों को पता ही नहीं था जिस टाइम सर ने इसके बारे में ख्वाब देखा यहाँ पर। तो उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियोज बनाऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन एंड आंसर का सिलसिला आज शुरू करते हैं। सो फाइनली पहला क्वेश्चन है, आई एम अ कॉपी पेस्ट डेवलपर, हाउ डू आई बिकम अ रियल सॉफ्टवेयर डेवलपर। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा लगता है कि कॉपी पेस्ट करके कोडिंग को करना कोई कोडिंग नहीं होता, इसके बारे में सर से राय लेंगे, क्या कॉपी पेस्ट करके हम लोग कोडिंग कर सकते हैं? क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं 90% कोडिंग गूगल पर अवेलेबल है, तो क्या ये गलत कि अगर हम लोग गूगल से हेल्प लेकर के कोडिंग को कॉपी पेस्ट करके कर रहे हैं? क्या पहला जो आपने पूछा हमसे कि कॉपी पेस्ट डेवलपर, थिंग इज दैट कि कॉपी पेस्ट डेवलपर कहने का सेंस ये नहीं है कि आप कुछ कीजिए, गूगल में लिखिए और कॉपी मिल गया, कॉपी करके पेस्ट कर दिए, रन कर गया। एक डेवलपर बनने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि बिजनेस लॉजिक की एक अच्छी समझ बनानी होगी, क्योंकि आप डेवलपर बन के बेसिकली क्या करते हैं, आप किसी न किसी बिजनेस एंटिटी का, किसी न किसी पर्सन का, कोई ना कोई प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शॉर्ट आउट करते हैं। तो आप किसी के बिजनेस के प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, आप वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो नो डाउट गूगल में 99.99% कोड अवेलेबल है। बट आपको ये जानना होगा कि बेसिकली वो बिजनेस का वर्टिकल्स क्या है, वो बिजनेस की प्रॉब्लम क्या है। तो एक कोडर बनने से, एक अच्छा कोडर बनने से पहले आपको एक अच्छा बिजनेस एनालिस्ट बनना पड़ेगा, तभी जा करके आप कोड कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता होता है कि आपको खाना आता है, बट आपको पता होना चाहिए कि वो खाना हम कैसे खाएंगे, वो खाना हम क्यों खाएंगे, किस टाइप का फूड हम लेंगे, ये पहले से पता होना चाहिए, तभी आप फूड का चॉइस कर सकते हैं। उसी तरीके से जब आप कोडिंग करना चाहते हैं, डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बिजनेस में क्या जरूरत है। जैसे मान लो आप किसी ग्रोसरी दुकान का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ग्रोसरी दुकान में होता क्या क्या है। अगर आप ग्रोसरी दुकान की समझ आप डेवलप कर लेते हैं अपने पास, तो आप कॉपी पेस्ट कर कोडिंग करते हैं, और आप ही नहीं, 90% डेवलपर यही करते हैं। बिकॉज ओपन सोर्स का पैटर्न अब चल चुका है, लोग कोड करके गूगल में सबमिट कर देते हैं ताकि समय बचा सके डेवलपर, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कॉपी पेस्ट की, तो जिस इन्वायरमेंट में आप कोडिंग करते हैं, अगर आप जो भी इन्वायरमेंट डेवलप करते हैं, अगर आप iOS डेवलप करते हैं, तो iOS का अपना डेवलपमेंट है, उसकी सेटअप लाइब्रेरी आपको दे देता है, कहता है कि आप कोड सिर्फ कॉपी कर लीजिए। मतलब जो लाइब्रेरी ऑलरेडी अवेलेबल है आपके लिए, तो आपको तो यूज करना ही है, बिकॉज आपको मेन लॉजिक पे काम करना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा चीज को शुरू से लेकर नहीं बनाना है। जैसे अगर आपको शर्ट पहनना है, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि शर्ट बना कहाँ है, आपको शर्ट पहनना है, आपकी ऑब्जेक्टिव है हमको शर्ट बाय करना है, तो हम दुकान में जाकर शर्ट बाय करेंगे। हम दुकानदार से क्यों पूछेंगे, भैया आपका दुकान, आप इस शर्ट कहाँ से खरीदे थे, उस शर्ट वाले ने फैक्ट्री कहाँ लगाया था, वो आपका पार्ट नहीं है। तो आपको ऑब्जेक्टिव पे काम करना है, और ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको बिजनेस की समझ अच्छे तरीके बनाना है। तो अगर आप एक अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट डेवलपर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा वर्ड,
ये कॉपी पेस्ट डेवलपर वो सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट का वर्ड है जो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं और उस टाइप का डेवलपर के लिए यूज करते हैं जो जो लेवरियस होते हैं। तो कॉपी पेस्ट टाइप का कोई वर्ड नहीं होता है, बशर्ते आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से बिजनेस को समझते हैं, कितने अच्छे तरीके से बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो आप कॉपी पेस्ट तब दिमाग न लगा करके आप बिजनेस को समझने में दिमाग लगाते हैं डेवलपर, और बेसिक लेवल से ही तो वो एक अच्छा डेवलपर बन जाते हैं।